हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू। रेसिपी किचन विद नीतू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फ्रेंड लौकी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार रेसिपी लेकर आए फ्रेंड। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को सुबह नाश्ते में बना के खा सकते हैं या फिर शाम को चाय के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और लौकी से बनी है फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो लौकी की ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हमने आधी लौकी ले ली फ्रेंड। तो इस लौकी को करना क्या फ्रेंड, इसे हम छील लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लौकी को फटाफट छील लेंगे। इसके बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लौकी को छील लिया। इसकी जो डंठल वाली साइड होती है फ्रेंड, उसे हम कट करके हटा देते हैं और इस तरीके से लौकी के हम दो पार्ट कर लेते हैं ताकि हमें इसे कद्दूकस करने में आसानी हो। और इसे दो पार्ट करने के बाद जो अंदर के बीचे वाले फ्रेंड पार्ट होते हैं ना, उसे हमें कट करके हटा देना है। उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया, देख सकते हैं फ्रेंड। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो यहाँ हमने एक ले लिया फ्रेंड बाउल। अब हम इसमें ले लेंगे फ्रेंड 2/3 कप के लगभग हम यहाँ बेसन का यूज करेंगे। साथ में हम ले लेंगे 1/2 कप इसमें हम ले लेंगे चावल का आटा। साथ में हम इसमें 1/4 कप सूजी ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ धनिया पाउडर। डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका बहुत स्मूथ सा हमें इसे डो इसका रेडी कर लेना है इस तरीके से। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर लौकी, जिसे फ्रेंड हमने कद्दूकस करके रखा था, इनको डाल देते हैं। सब लौकी को डालने के बाद हम इन्हें करेंगे फ्रेंड अच्छे से मिक्स। तो आपको फ्रेंड पानी का यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड लौकी में पहले से ही पानी होता है, इसलिए आपको पानी यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। बस ऐसे ही आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना। और जो बैटर है फ्रेंड, देख सकते हैं कितना गीला हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा ग्रीन मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च, और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और साथ में ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड। इस तरीके से हम सभी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के लगभग ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से क्या होता है फ्रेंड, ये जो लौकी का नाश्ता होगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा अंदर से। तो बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा मिक्स बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। तो मैं इसे अब इसे प्लेट में सेट कर दूंगी। तो यहाँ हमने इस तरीके का प्लेट ले लिया, जिसे हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया। इस तरीके से इसमें बैटर को डाल देंगे। बैटर डालने के बाद अब इसे अच्छे से प्लेट में चारों तरफ से बढ़िया सा फैला देंगे हम। तो इस तरीके से अच्छे से इसको सेट कर दीजिएगा प्लेट में। आप इसे थाली में भी अच्छे से सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी। अब इसमें हमने डाल दिया 2 ग्लास के लगभग पानी। पानी डालने के बाद हमने इस तरीके का एक स्टैंड रख दिया है ताकि हम इस पर अच्छे से इस बर्तन को सेट कर सकें। तो इस तरीके से हम इसको इस पर रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से रख दिया है। अब इसे लिड से कवर कर देंगे। इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, 15 मिनट हो गए थे, मैं चेक कर लेती हूँ। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। मैं आपको चेक करके भी दिखा रही हूँ नाइफ से। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट पका है, नाइफ में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो मैं आपसे फिंगर से भी टच करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट पका। इसे ठंडा हमने कर लिया था 10 मिनट फ्रेंड। तो मैं इसे अब कट कर रही हूँ। तो आपको जैसे भी पीसेस पसंद हो आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा चौकोर पीसेस में कट करूंगी, बाइट्स जबकि छोटे छोटे से इसके बाइट्स में इसे कट कर लेती हूँ। जैसे फ्रेंड पनीर के पीसेस होते बिल्कुल, मैं इसे वैसे ही कट कर रही हूँ, देख सकते फ्रेंड।
मैं आपको फ्रेंड इसके एक पीसेस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए बहुत इजी तरीके से इसके पीसेस निकल जा रहे हैं, देखिए बिल्कुल भी प्लेट में नहीं चिपका, देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसे स्टोर करके भी 3 से 4 दिनों के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं। जब आपका मन हो तब इसे फ्राई करके खा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया है। हीट करने के बाद अब हमें इस तरीके से इसमें पीसेस को डाल देने हैं, और डालने के बाद गैस को लो टू मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड जब एक तरफ से हल्का सा ब्राउन हो जाए तभी आप इसे पलटिएगा। तो इस तरीके से उलटते पलटते हुए हम अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कितना प्यारा सा इसमें कलर आ गया, बहुत ही परफेक्ट ये देख सकते हैं आप। तो बस मुझे ऐसे ही इसका कलर रखना है, तो मैं इसे इसी स्टेज पे इसे निकाल लूँगी फ्रेंड, देख सकते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और खाने में बिल्कुल भी नहीं पता चलता है फ्रेंड ये लौकी का बना हुआ है, और देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे फ्रेंड ये पनीर के पीसेस को हमने ऐसे फ्राई कर लिया हो। बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्रेंड ये नाश्ता होता है। तो मैं इसे अब फ्रेंड निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से सेकंड बैच वाले को भी ऐसे फ्राई कर लेंगे हम। तो इसे भी ऐसे डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और देख सकते हैं ये भी बहुत ही बढ़िया सा फ्राई हो गया। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल रेडी है, मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगा। देख सकते हैं ये हमारा लौकी का नाश्ता बिल्कुल बन करके तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे फ्रेंड सब्जी के तरीके भी इसे यूज कर सकते हैं। सब्जी अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी तो उसे आप ऐसे फ्राई करके उसमें पीसेस डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देख सकते हैं इसका जो लुक है। अगर फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।